अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग लास्ट क्लास में जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें से एक टॉपिक था वो बच गया था, ठीक है। और ये टॉपिक एज वेल एज आपके रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ना है, तो आप लोग यहाँ समझ लो ताकि हम लोग वहाँ पे इस चीज़ को ना पढ़ें, ठीक है। हमने सेल क्रोमोसोम देखा। अब क्रोमोसोम में ही हमारा क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। मैंने बताया था ह्यूमन में कितने सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और कितने ऑटोसोम्स पाए जाते हैं। आप लोग को मैंने ये डिस्कस कर लिया है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। अभी बात करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक था जो मैंने बोला था कि आज पढ़ाऊँगा, तो ठीक है, ध्यान से सुनो ये टॉपिक को। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन्स। देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन और भी जानवर में होते हैं, जैसे कि अगर तुम सेक्स डिटर्मिनेशन इन कुछ में भी पढ़ो, बकड़ा बकड़ी कुछ का भी पढ़ो, लेकिन सबका अपना अपना होता है, लेकिन हम लोग ह्यूमन हैं तो आपका टॉपिक है ह्यूमन के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ये टॉपिक पढ़ने का बस एक ही पर्पस है कि आपको समझ में आ जाए कि कब लड़का पैदा होता है और क्या हो जाता है तो लड़की पैदा होती है। तो लड़का लड़की पैदा होने के पीछे भी साइंस है, और उसी साइंस वाले साइंस को समझने के लिए ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है। वैसे मैं 100% श्योर हूँगा ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगी, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, तो मैं उस पर फोकस ज़रूर करवाऊँगा आपको। जैसे कि देखो लिखा गया है, इन ह्यूमन मेल सेक्स क्रोमोसोम्स इज एक्स वाई, छोटुआ के लिए एक्स वाई, ठीक है, और छोटिया के लिए एक्स एक्स, याद रहेगा, छोटुआ के लिए एक्स वाई एंड छोटिया के लिए एक्स एक्स, मतलब मेल के लिए एक्स वाई होता है और फीमेल्स के लिए एक्स एक्स। ये क्या हैं, एक्स वाई एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं यार, क्रोमोसोम्स सेल के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। मैंने पढ़ाया ना सेल वाला चैप्टर, पहला क्लास जाके ज़रूर देखना, फर्स्ट क्लास ऑफ बायोलॉजी सेल, ओके। ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन को प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस। तो बोल रहा है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इन मेल हाफ ऑफ द स्पर्म कंटेन एक्स क्रोमोसोम्स व्हाइल अदर मेल हाफ ऑफ द स्पर्म कंटेन एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, बाई क्रोमोसोम्स। तो देखो, जब गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है ना, मेल्स के पास एक्स क्रोमोसोम्स भी आधा, तो देखो वन पेयर में प्रेजेंट होगा, जिसमें से आधा एक्स होगा और आधा बाई होगा, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है, फीमेल में ओजिनेसिस होता है, ठीक है, ओजिनेसिस। तो उनके अंदर जो ओजिनेसिस होता है प्रोसेस, तो उनमें क्या होता है, दोनों जो क्रोमोसोम्स होते हैं कम्प्लीटली एक्स एक्स ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते, ठीक है। तो वही वाली बात है, देखो, इन फीमेल ऑल गैमेट्स कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, डैट इज एक्स, ओके। दस वेन ए मेल गैमेट्स, मतलब मेल गैमेट्स समझ रहे हो, स्पर्म एक्स क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज एंड ओवा द जायगोट डेवलप इनटू ए फीमेल, ठीक है। अच्छा, ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर में मैं अच्छे से भी पढ़ाऊंगा कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है, स्पर्म कैसे मतलब सेक्सुअल करते हैं फिर उसके बाद स्पर्म वगैरह कैसे मिलता है, ये वो डिश डैड वहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे तुमको ये समझना है, जैसे कि चलो ये डायग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डायग्राम है, तुमको समझने के में काफ़ी इजी करवाएगा ये डायग्राम। तो मैंने बताया था छोटुआ के लिए एक्स एक्स, ठीक है, छोटिया के लिए एक्स एक्स एंड छोटुआ के लिए एक्स वाई, ठीक है, मेल के लिए एक्स वाई, फीमेल के लिए एक्स एक्स। अब क्या होगा, सब लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगा, सब क्रोमोसोम का खेला है। क्रोमोसोम्स अगर मान ली जाए, इनके पास दो दो है ना, अब मान ली जाए फीमेल का एक्स, ठीक है, फीमेल का एक्स और मेल का एक्स मिल जाए, तो एक्स एक्स क्या होता है, एक्स एक्स क्या डिनोट करता है, फीमेल डिनोट करता है। मान ली जाए फीमेल का एक्स और इसका बाई मिल जाए, तो क्या डिनोट करेगा, एक्स बाई, एक्स वाई, मैंने ऊपर सिखाया आप तुमको, एक्स वाई मतलब छुटुआ, लड़का पैदा होगा,
एक्स वाई मतलब छोटुआ, और अगर एक्स एक्स आया तो छोटिया, ठीक है? तो छोटुआ छोटिया समझ गए। देखो इसमें भी शुरुआत में गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो ये वाला प्रोसेस जो दिखाया गया है ये गैमेट फॉर्मेशन वाला है, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस वाला है। तो वही वाला जो जो यहाँ पर लिखी गई है ना बात, पैराग्राफ फॉर्म में लिखी गई है, यहाँ पे पिक्चर बना दिया है, बस वही वाली बात है। देख लो, समझा देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए, ठीक है। फिर गैमेट फॉर्मेशन हुआ जिसमें क्या हुआ, मेल के पास 50% एक्स रहता है, 50% वाई रहता है। फीमेल के पास 50% एक्स रहता है, 50% एक्स रहता है, मतलब दोनों एक्स ही रहता है फीमेल के पास। अब क्या होता है, जब इनका ऑफ स्प्रिंग आपस में मैचिंग करता है तो क्या बनाता है, तो देखो इसका एक्स मिलाया, ठीक है, और मेल वाला एक्स मिलाया, और एक्स एक्स क्या स्वरूप करता है, एक्स एक्स छुटिया, एक्स एक्स मतलब छुटिया, ठीक है। अब इसका एक्स मिलाया और इसका वाई मिलाया, तो एक्स वाई क्या शो करेगा, एक्स वाई छोटुआ, ठीक है, एक्स वाई छोटुआ। अच्छा, अब इसका एक्स मिलाया और इसका एक्स मिलाया, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, अगेन छोटिया आ जाएगी। अब इसका एक्स और इसका वाई, एक्स वाई अगेन छोटुआ आ जाएगा। देख रहे हो, क्रोमोसोम्स का खेला है, लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी, अगर एक्स वाई मैच हो गया, ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग एक्स वाई अगर मैच हो जाता है तो लड़का हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, छोटुआ हो जाएगा, और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अगर एक्स एक्स मिल जाता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स आपस में प्यार हो जाता है दोनों के बीच में, तो लड़की पैदा होगी। सिंपल सा प्रोसेस था भाई सेक्स डिटरमिनेशन। अब कुछ इसके टॉपिक हैं, मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो तो मैंने समझाने का समझा दिया, आप पॉइंट्स पे ध्यान दो, ठीक है। बॉडी इज फाउंड इन फीमेल सोमैटिक सेल, वार बॉडी, क्वेश्चन आया है वेयर इज वार बॉडी फाउंड, तो बोलना फीमेल के सोमैटिक सेल में वार बॉडी प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इज डन इन टेस्ट ट्यूब इन लेबोरेटरी, व्हाट फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड मदर वॉम्ब इज टेस्ट ट्यूब बेबी। आप तुमने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा पैदा होता है। इसमें क्या होता है ना कि फीमेल से थोड़ा सा क्या मतलब, फीमेल अपना जो ओवा होता है, ओवा ओवम, वो दे देती है, और मेल भी अपना स्पर्म दे देता है, और एक टेस्ट ट्यूब होता है। इसे ट्यूब देखे हो बचपन में पोलियो वगैरह क्या पिलाने वाला जो ट्यूब होता है, उसी तरीके का ट्यूब रहता है। अब उस दोनों से निकाल लिया स्पर्म और ओवा, और ट्यूब में जाके फर्टिलाइज करवा दिया, ठीक है। जैसे ही फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइज हो जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, फर्टिलाइज, अब उतना छोटा ट्यूब है भाई, बच्चा बड़ा कैसे होगा उसमें, तो डेवलपमेंट के लिए वापस से, अब माँ के पेट में ही तो गर्भ में ही तो बड़ा होता है, तो वापस से माँ के पेट में उस फर्टिलाइज्ड एग को डाल दिया जाता है। फिर जिनका बच्चा नहीं होता है ना, वो इसका सहारा लेते हैं, जिनको भी बच्चा अगर नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, वो उधर से अपना स्पर्म ओवा देगा, ठीक है, और अपना बच्चा पेट में डेवलपमेंट के लिए जो फर्टिलाइज हो जाता है ट्यूब टेस्ट ट्यूब में, उसी को अपने पेट में डाल देते हैं। अब ये सब डॉक्टर करेंगे, कैसे डालते हैं, क्या प्रोसेस है, ये सब नहीं बताऊंगा मैं कि कैसे डालते हैं, लेकिन डाल देते हैं बस, ठीक है। तो डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे कि कोई लड़की या फिर कोई फीमेल बांझ है, ठीक है, उसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अब कितना भी वो रिप्रोडक्शन कर ले, उनसे बच्चा पैदा नहीं होगा, तो क्या करेगी, किसी अदर फीमेल का ओवा लाएगी और अपने मर्द का, अपने हस्बैंड का स्पर्म मिला देगी, ठीक है। अब फिजिकली तो कर नहीं सकती है, तो क्या करेगी, उसका लेके आएगी और लेबोरेटरी में, लैब में, डॉक्टर के लैब में मिला उला के, फिर जो बांझ लेडी थी अपने पेट में, उसको डेवलपमेंट करवाएगी, बेसिकली यही कहना है मुझे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी समझ गए होगे तुमको। एक इसी तरीके का एक और होता है इन वेट्रो फर्टिलाइजेशंस, ठीक है, पटना में तो इसका हॉस्पिटल्स भी है, देखना तुम्हारे अपने अपने एरिया में जहाँ पर भी देखना, ये इसका हॉस्पिटल होता है। अब देखते हैं, सम सेक्स डिटर्मिनेशन इज रेगुलेटेड बाई इन्वायरमेंटल फैक्टर,
इन सम रेप्टाइल्स टेम्परेचर डिटरमाइन द सेक्स एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स इज इनक्यूबेटेड। देखो ये जो हमारा सेक्स डिटरमिनेशन है ना, कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रभाव किसको देखने को मिलता है, रेप्टाइल्स में, ठीक है। इस सबसे ज़्यादा रेप्टाइल्स में टेम्परेचर का, इन्वायरमेंटल कंडीशंस का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कुछ कुछ एनिमल्स में, सबसे ज़्यादा रेप्टाइल्स में, ठीक है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि यही डिसाइड करता है कि मेल होगा कि फीमेल। तो सोच लो टेम्परेचर का रोल आ जाता है मेल फीमेल होने में, कई रेप्टाइल्स में खास करके। उसके बाद देखो, इन ह्यूमन सेल कंटेन्स 46 क्रोमोजोम्स, ऑलरेडी पढ़ा रखा है पहले क्लास में। एनी एडिशन और रिमूवल ऑफ द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स और ऑटोजोम्स कॉज जेनेटिक ऑर्डर। अब देखो भाई, तुम्हारे अंदर ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोजोम्स है, 23 पेयर में है, यानी 46 है, ठीक है। अब तुम उसके साथ अगर छेड़छाड़ कर देते हो, 46 को घटा करके 47 कर देते हो, या तुम्हारा घट जाता है अपने आप, तुम घटा नहीं रहे हो, मतलब पैदा ही घटा हुआ हुआ है, या फिर 46 है तुम्हें को बढ़ा दिए, तो देखो जो है उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो तुमको जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब छेड़छाड़ तुम खुद भी कर सकते हो या तुम्हारा भगवान ही करके भेजे होगे। तो वही वाला लिखा गया है कि हमारे ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अगर हम एडिशन या रिमूवल करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स में, तो हमको जेनेटिक ऑर्डर्स सेक्स क्रोमोसोम्स हो जाएगा एंड ऑटोसोम्स, तो हम लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, नो डाउट। अब जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत टाइप के हैं, ठीक है, देखते हैं कौन कौन से टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर, बीमारियां हैं ये सभी डिसऑर्डर, ठीक है। पहला है किनलिफर सिंड्रोम, किनलिफर सिंड्रोम। तो ये क्या है, व्हेन अ मेल हैव एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स एक्स वाई एंड इन सेक्स क्रोमोसोम्स, देन कंडीशन विल बी एक्स एक्स वाई एंड एक्स वाई वाई, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्स वाई। अब सोच लो यार, इसमें क्या होता है, मेल जो होता है ना, मेल यानी छोटुआ, इसके पास ये वाले बीमारी में क्या होता है, ध्यान देना, जो छोटुआ है उसके पास एक्स या बाई, एक्स या बाई, देखो लिखा गया ना एक्स और बाई, एक ज़्यादा आ जाता है, मतलब टोटल 46 होते थे लेकिन अभी इसमें एक ज़्यादा आ गया है। तो मैंने क्या सिखाया तुमको, अगर एक ज़्यादा करोगे या एक कम करोगे, 46 होते हैं टोटल, 46 के साथ छेड़छाड़ करोगे तो बीमारी होगा। ये छोटुआ में एक्स या बाई क्रोमोसोम्स एक ज़्यादा है, जिसके कारण छोटुआ को किनलिफर सिंड्रोम हो गया है, ठीक है। तो ये एडिशन वाला था, ठीक है, इसमें एडिशन हो रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है। जैसे कि कंडीशन ये भी हो सकता है, जैसे कि छोटुआ के पास क्या था शुरुआत में, एक्स वाई था, अब दो कंडीशन है, इसमें एक बढ़ रहा है तो एक्स भी बढ़ सकता है, बाई भी बढ़ सकता है, मतलब एक्स बाई तो पहले से था और एक बाई बढ़ा दिया, तो ऐसे भी हो सकता है, या फिर एक्स वाई तो पहले से था और एक बढ़ा दिया एक्स, तो ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। अब ये वाला जो छोटुआ का ये वाला जो बचवा पैदा होगा एक्स बाई बाई वाला या फिर एक्स एक्स बाई वाला, वो किनलिफर सिंड्रोम से जूझते हुए पैदा होगा, वो उसको किनलिफर सिंड्रोम हुआ होगा, छोटुआ का जो बच्चवा पैदा होगा आगे चल के वो एक्स एक्स वाई या एक्स एक्स वाई वाई वाला, समझ रहे हो भाई, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुमको समझ में आए, ठीक है। द मेल इंडिविजुअल विथ दिस सिंड्रोम हैव मस्कुलिन डेवलपमेंट बट फेमाइन डेवलपमेंट इज नॉट कम्प्लीटली सप्रेस्ड एंड द इंडिविजुअल बिकम स्टेराइल। स्टेराइल मतलब समझ में आता है तुम लोग को, हाँ? तो सुनो, अगर नहीं पता है तो ध्यान देना, स्टेराइल मतलब वह इंसान होता है जिसमें शारीरिक क्षमता नहीं होती है, मतलब ही इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस न्यू यंग वंस, ओके, उसका मतलब होता है स्टेराइल। तो ये बहुत ख़राब बीमारी है, ये वाला सिंड्रोम बहुत ख़राब सिंड्रोम है। अगर ये वाला सिंड्रोम अगर किसी मेल या फीमेल में पाया जाएगा, खास करके फीमेल में, तो क्या हो जाएगा, वो स्टेराइल हो जाएगी और उसमें क्षमता ही नहीं रहेगा कि बच्चा को पैदा कर सके। तो ये सिंड्रोम
टोटली बहुत ख़राब है, ठीक है। याद रखना सिंड्रोम का नाम याद रखना है और बीमारी का नाम याद रखना और कितने क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं वो याद रखना है। तो ये बीमारी का नाम क्या है, सिंड्रोम है, किल्लीफोर सिंड्रोम। इसमें कितने क्या होता है, इसमें एडिशन होता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, मेल क्रोमोसोम्स में एडिशन होता है, एक्स एक्स वाई हो सकता है या फिर एक्स वाई वाई हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मतलब एक्स या वाई का एडिशन होता है किल्लीफोर सिंड्रोम में। और कौन सी बीमारी होती है, स्टेराइल बना देता है इंसान को, ठीक है, कम्प्लीटली सप्रेस्ड कर देता है, लिखा गया है यहाँ पे कम्प्लीटली सप्रेस्ड एंड इंडिविजुअल बिकम स्टेराइल, ठीक है। इन फीमेल व्हेन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ एक्स एक्स दे शो नॉर्मल डेवलपमेंट बट लिमिटेड फर्टिलिटी, ठीक है। अगर यही वाला बात, ये तो हमने मेल के बारे में तुमको समझाया ना, यहाँ ऊपर में मैंने तुमको मेल के साथ एडिशन करके दिखाया था, अगर यही वाला बात अगर फीमेल के साथ हो, मैंने समझाया था तुमको कि फीमेल के पास क्या होता है, छोटिया के पास क्या होता है, छोटिया के पास होता है एक्स एक्स, ठीक है। अगर यही वाला कंडीशन हम क्या कर देते हैं, फीमेल के साथ कर देते हैं कि फीमेल में कोई एक्स बढ़ा दिया, कोई एक क्रोमोसोम्स घटा दिया, तो क्या होगा, तो इसमें अगर बढ़ाओगे तुम एक क्रोमोसोम्स तो बन जाएगा ये। अब इसमें क्या होगा ना कि फीमेल पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता इसका, मतलब इसमें अगर क्रोमोसोम्स बढ़ाओगे तो फीमेल में उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, फीमेल नॉर्मल ही रहेगी, बस क्या होगा उसका फर्टिलिटी जो होता है, प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है बच्चे को प्रोड्यूस करने, वो थोड़ा सा कम जाएगा, लेकिन ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, कम जाएगा लेकिन ज़्यादा पूरी तरीके से स्टराइल नहीं हो पाएगी ये लड़की, ठीक है। तो फीमेल में ये ठीक है, लेकिन मेल को तो पूरी तरीके से स्टराइल बना देता है, ठीक है। नहीं बोलते हैं गाँव वगैरह में कि हमर मरदवे में कमी है कुछ, वही वाला हो जाता है मेल के साथ, लेकिन फीमेल के साथ फर्टिलिटी ख़त्म होती है, मतलब ख़त्म नहीं होती है, लिमिटेड हो जाती है बस, ओके लिमिटेड। देखिए जैसे कि मेंटल रिटार्डनेस इज ऑल्सो सीन इन दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम, मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं, मतलब अगर ये सिंड्रोम किल्लीफोर सिंड्रोम किसी को हो जाएगा तो मेंटली रिटार्डनेस भी देखा जाता है उन सभी मरीजों में, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम 47 इंस्टेड ऑफ 46, मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो एडिशन में क्या हो रहा है, हमारे नॉर्मली हमारे पास कितना होता है क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, लेकिन चूंकि ये किल्लीफोर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, हमने एक क्रोमोसोम्स को बढ़ा दिया है मेल में भी और फीमेल में भी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, 46 की जगह पे अब एक बढ़ाए हो तो 47 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं इस पर जोड़ दे रहा हूँ, पूछा जाता है कि बताओ किल्लीफोर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46, 45, 47, तो ऑप्शन हो जाएगा 47, ठीक है। अब इसी से आगे देखो एक और बीमारी आ गया सेकेंड नंबर पर, टर्नर सिंड्रोम। व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम, तो इसमें क्या होता है, ये फीमेल में होता है कि व्हेन छोटिया हैज अ सिंगल क्रोमोसोम्स एक्स, ओके, देयर ओवरीज आर रूडिमेंट्री एंड लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। अगर देखो सबसे पहली बात तो ये बीमारी लड़कों में नहीं होती है, छोटुआ में नहीं होता, छोटिया में सर्फ होगा, क्या होगा कि अमूमन हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि फीमेल्स के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है, होता है भाई फीमेल्स के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है, लेकिन अगर तुम टर्नर सिंड्रोम में हो तो टर्नर सिंड्रोम में तुम्हारा एक क्रोमोसोम्स गायब हो जाता है, अब एक ही क्रोमोसोम्स बचता है, ये वाला एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है, मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, घट रहा है। अब फीमेल्स के पास एक्स एक्स होता था, लेकिन टर्नर सिंड्रोम जितनी भी फीमेल्स में अगर होगा तो देखना उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स पाई जाएगी सिर्फ एक्स पाई जाएगी, सिर्फ एक्स, और ये वाला एक्स के कारण ये बहुत बड़ा बीमारी है टर्नर सिंड्रोम। क्या होता है, जो फीमेल्स होती है, छोटियाँ होती है, उसकी जो ओवरीज होती है उसको रूडिमेंट्री कर देता है, विकसित नहीं होने देता है, रूडिमेंट्री मतलब विकसित नहीं होने देता है, पूरा दम खत्म, ठीक है। इसीलिए ये भी ये वाला जो बीमारी अगर तुम देखोगे, कोई मरीज तुमको मिलेगा टर्नर सिंड्रोम वाला, तो गौर करना उनमें जो होगा ना क्या होगा, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो होता है वो लैक करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर लैक कर जाता है, किनमें नहीं देखने को मिलता है, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म रहता है, देखेंगे ही नहीं, अरे नहीं होता इन लोग में ये वाला सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, ठीक है।
अब बहुत सारा लड़का बोलेगा ये क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, जो बाहर से दिखता है वो वाला, जैसे कि वेस्ट हो गया एंड साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो मसल्स होती है इस तरीके के लड़कियों में, वो मस्कुलेचर जो होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा बिग होता है, ठीक है, बाल वगैरह थोड़ा पतले हो जाते हैं और बहुत तरीके के हैं। गूगल पे जाके कर लेना सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स इन फीमेल्स, पता चल जाएगा, ठीक है, जो बाहर से दिखता है उसी को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। ओके, अब देखते हैं थर्ड बीमारी। अच्छा, इसमें कितना क्रोमोसोम्स हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम में? टर्नर सिंड्रोम में एक घट रहा है ना भाई, तो इसमें 46 हो जाएगा। एक 46 तो था ही यार, 46 तो ओरिजिनली था तुम्हारे पास, एक घट रहा है तो 45 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा जाएगा तुमसे टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, तो घट रहा है इसमें तो एक घटा देना 46 में, अगर बढ़ेगा तो 46 में बढ़ा देना, जैसे कि कैनलिफर सिंड्रोम में बढ़ रहा था तो इसमें 47 हो गया था ना, इसमें घट रहा है तो 45 हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम व्हेन एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स इज एडेड टू 21st ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, दिस लीड टू द डेवलप मतलब सिंड्रोम, एंड इन दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम पर्सन बिकेम मैनोगोलिजम्स, द पर्सन इज मेंटली रिटार्डेड, आईज प्रोट्रूडेड एंड इरेगुलर फिजिकल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि डाउन सिंड्रोम में भी क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम की एडिशन की जा रही है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स ऐड हो रहा है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स ऐड होगा तो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, और कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होगा? डाउन सिंड्रोम होगा। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, डाउन सिंड्रोम और किनलिफर सिंड्रोम जो है ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है, जमीन आसमान का अंतर है। देखो किनलिफर सिंड्रोम में भी क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स की एडिशन हो रही थी, और डाउन सिंड्रोम में भी क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स का एडिशन हो रहा है, जोड़ रहे हैं हम लोग तो। लेकिन यहाँ पर एक चीज अलग भी है, डाउन सिंड्रोम में क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑटोसोम्स इस बार जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स ऐड होगा ऑटोसोम्स में होगा, ठीक है। मैंने तुमको बताया था हमारे बॉडी में कितने पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें से दो होता है ऑटोसोम्स, ठीक है, हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 46, ठीक है, 23 पेयर्स में, जिसमें से एक पेयर तो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, बाकी जो 22 बचे रहते हैं, 22 पेयर होता है ऑटोसोम्स, ठीक है, ऑटोसोम्स, और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, तो 22 पेयर इस बार हमारा ऑटोसोम्स में एडिशन हो रहा है, ठीक है। किनलिफर सिंड्रोम में क्या हुआ था, इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स में एडिशन हुआ था, लेकिन डाउन सिंड्रोम में एडिशन कहाँ पे हो रहा है, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स में, ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें भी कितना हो जाएगा, इसमें भी क्रोमोसोम्स की संख्या नॉर्मली 46 होती है ह्यूमन में, लेकिन अगर ये बीमारी है तो उनके पास 47 होगा, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि कितने होते हैं डाउन सिंड्रोम में, 47 होते हैं। इस तरह की बीमारी अगर किसी छोटुआ या छोटिया, ये दोनों में हो सकता है, मेल फीमेल दोनों में, ठीक है, ये भी याद रखना है मेल में होगा कि फीमेल में, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम सिर्फ फीमेल में होता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। और इस तरीके का अगर बीमारी हो जाता है किसी में, तो क्या हो जाएगा ना कि वो इंसान, वो लड़कियाँ, वो छोटुआ छोटिया मैनगोलिज्म हो जाएंगे, मैनगोलिज्म, ठीक है, उसका जो मेंटल है वो रिटार्ड हो जाएगा, मेंटली वो सही नहीं रहेगा इंसान, उसका आई वगैरह भी प्रोट्रूड हो जाएगा, ठीक है, उसका बॉडी का जो शेप होगा टेढ़ा लंगर हो जाएगा, बॉडी का शेप इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बीमारी अगर हो जाता है, तो ऑटोसोम्स में अगर छेड़छाड़ करते हो, क्रोमोसोम्स होता है, बढ़ता है घटता है, तो ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है, याद रखना ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स में डाउन सिंड्रोम, और अगर हम सेक्स क्रोमोसोम्स में बढ़ाते हैं तो किनलिफर, ऑटोसोम में बढ़ाते हैं तो डाउन, सेक्स में बढ़ाते हैं तो किनलिफर, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, याद रखना। अब आगे देखते हैं और भी बीमारियाँ हैं, अभी देखो ना कितनी बीमारियाँ, पटाउ सिंड्रोम हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, फेनाइल कीटोनोरिया हो गया, हेमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, एक एक करके सबको देख लें, जी हाँ देख लेते हैं।
अब ये पटाऊ सिंड्रोम क्या है? अब पटाऊ मतलब ये नहीं कि लड़की पटाना है, पटाऊ सिंड्रोम समझो साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पे पड़ा है पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम इज डेवलप्ड बाई एडिशन ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोजोम्स इन 13th क्रोमोजोम्स। अभी देखो मैंने तुमको क्या समझाया है, ऑटोसोम्स क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, वन पेयर सेक्स होता है, बाकी जितना बच जाता है क्रोमोजोम्स 46 में, वो सारे के सारे कौन से क्रोमोजोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स। हमारे शरीर में दो तरह के क्रोमोजोम्स हैं, सेक्स क्रोमोजोम्स, ऑटो क्रोमोजोम्स, जिसमें से हमारा सेक्स क्रोमोजोम्स है मात्र एक पेयर में है, लेकिन सारा बचा बचा जो है वो सारे के सारे ऑटोसोम्स हैं। इस बार क्या हो रहा है पटाऊ सिंड्रोम में, क्या हो रहा है, 13th नंबर का जो क्रोमोजोम्स होगा ना उसमें क्या होगा, एडिशन होगा। 13वें नंबर का जो ऑटोसोम्स क्रोमोजोम्स होगा, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, 13वें नंबर का जो ऑटोसोम्स होगा उसमें अगर क्रोमोजोम्स की एडिशन कर देते हो, देन अगर वो वाला हो जाता है ना पटाऊ, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो पटाऊ सिंड्रोम का से ग्रसित हो जाएगा, उसको पटाऊ सिंड्रोम की बीमारी हो जाएगी। अब पटाऊ सिंड्रोम एंड थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, पटाऊ सिंड्रोम एंड साथ ही साथ ये डाउन सिंड्रोम में अंतर क्या है, तो दोनों सेम ही हैं, अंतर कुछ नहीं है, बस क्या हो रहा है डाउन सिंड्रोम में 21st नंबर वाला क्रोमोजोम्स में एडिशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन पटाऊ सिंड्रोम में 21st वाले में नहीं हो रहा है, 13th नंबर के जो ऑटोसोम्स क्रोमोजोम्स हैं उसमें हो रहा है, ठीक है। तो दोनों याद रखना, डाउन सिंड्रोम एंड पटाऊ सिंड्रोम दोनों में ऑटोसोम्स क्रोमोजोम्स में एडिशन होता है, बात बस अलग ये है कि डाउन सिंड्रोम में 21st वाले में जुड़ेंगे और पटाऊ वाले में 13th वाले में जोड़ेंगे, यही अंतर है बस, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, ठीक है। अगर ये वाला बीमारी हो जाएगा तो देयर इज अ कट मार्क इन द लिप वगैरह थोड़ा फटे फटे रहेंगे, कट मार्क जैसा थोड़ा दिखेगा, एंड पर्सन इज मेंटली रिटार्डेड, ये भी मेंटली रिटार्डेड हो जाएंगे। तो तुमने देखा होगा ये भी मेंटल रिटार्डेड, डाउन सिंड्रोम में भी मेंटल रिटार्डनेस वाला प्रॉब्लम था, एंड साथ ही साथ किलनेफर सिंड्रोम में भी तुमको मैंने पढ़ाया था मेंटल रिटार्डनेस, ठीक है, पढ़ाया था कि नहीं, हाँ ये। तो देखो जब भी तुम्हारे क्रोमोजोम्स 46 होते हैं अगर उसमें तुम बढ़ा देते हो ना, तो मेंटल प्रॉब्लम कॉमन है, चाहे तुम कोई भी सिंड्रोम देख लो। देखो यहाँ पर घट रहा था, टर्नर सिंड्रोम में घट रहा था, तो इसमें मेंटल रिटार्डनेस की प्रॉब्लम नहीं देखी गई, लेकिन इसमें बढ़ रहा था, इसमें बढ़ रहा था, साथ ही साथ ये अभी पढ़ा पटाऊ सिंड्रोम में भी बढ़ रहा था, तो इनमें एक चीज़ कॉमन देखोगे, मेंटली रिटार्डनेस देखोगे, ठीक है। तो याद रखना सिंड्रोम का नाम याद रखना, कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, अगेन ये भी बढ़ रहा है तो इसमें भी बढ़ा देना, 46 में एक बढ़ा देना, ठीक है, तो इसमें भी 47 एंड साथ ही साथ कौन सी बीमारियां होती हैं वो भी याद रखना है आपको। अब देखते हैं सिकल सेल एनीमिया कौन बीमारी है, ये एक तरीके का डिसऑर्डर है ह्यूमन बॉडी में, इट इन दिस डिसऑर्डर क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स जो होता है डिस्ट्रॉयड एंड मोर रैपिडली देन द नॉर्मल लीडिंग टू द एनीमिया। हमारा जो बॉडी में इरिथ्रोसाइट्स होता है, साइट्स मतलब क्या समझते हो, साइट्स मतलब सेल्स, तो इरिथ्रोसेल्स जो होता है, साइट्स होता है, वो कब मतलब बहुत तेजी से, आराम आराम से नहीं, बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय होता है, ख़त्म होते जाता है, और यही कारण बनता है दिस लीडिंग टू द एनीमिया, अनीमिया बीमारी हो जाता है, ठीक है। और ये कब होता है, दिस अकर ड्यू टू द चेंज इन द 11th ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। अब देखो पटाऊ सिंड्रोम और सिकल एनीमिया में क्या अंदर है, इसमें 13वें नंबर के ऑटोसोमल क्रोमोजोम में बदलाव हो रहा था, अभी सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, 11वें नंबर के ऑटोसोमल क्रोमोजोम्स में बदलाव होगा, ठीक है, चेंज होगा, तो ये याद रखना है, ठीक है। देखो सभी सेम ही है, किसी में 21वें नंबर का हो रहा था, जैसे कि डाउन सिंड्रोम में 21वें नंबर का, पटाऊ में 13वें नंबर का, सिकल सेल एनीमिया में 11वें नंबर का, और सभी के सभी कहाँ पे हो रहा था, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में हो रहा था, सेक्स में नहीं, ठीक है। तो फिनाइल किटिनूरिया को देख लेते हैं, फिनाइल किटिनूरिया इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म विच रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डनेशन कॉजिंग ड्यू टू द चेंज इन 12th। अब ये देखो इसमें 12th समझ रहे हो भाई, तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, किसी में 11, किसी में 13, किसी में 21, किसी में 12,
तो फिनाइल किटोनूरिया बीमारी में 12वें नंबर के जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें बदलाव आने के कारण होता है। ठीक है, अगर बदलाव आ गया 12वें नंबर के ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में, अगर छेड़छाड़ हो गया तो उसको कौन सा बीमारी धर लेगा? फिनाइल किटोनूरिया धर लेगा। और ठीक है, ये जो है ना जन्मजात बीमारी है, इनबॉर्न डिजीज है। ठीक है, इट इज़ एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म समझते हो, जो तुम्हारा पेट वगैरह होता है उसके अंदर जो क्रियाएं होती है, प्रक्रियाएं होती है, प्रोसेस होती है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, वो खराब हो जाता है, गड़बड़ा आ जाता है। तो और इन तरीके के खराब तो होता ही है, और इस तरीके के इंसान में, फिनाइल किटोनूरिया से ग्रसित इंसान में मेंटली वो पागल होता है, मेंटल रिटार्डनेशन भी देखा जाता है इनके अंदर। ठीक है, हीमोफीलिया कौन बीमारी है, अगेन नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हीमोफीलिया बहुत कॉमन बीमारी है। इसमें क्या होता है ना, अगर तुमको कट गया ना एक बार भाई, तुम्हारा हाथ पैर अगर छिला गया, कट गया, तुम्हारा खून जो है ना क्लॉटिंग वगैरह जो होती है वो नहीं कर पाता है। अब देखते हो गए, नॉर्मली जब हम लोगों को कटता है तो वो खून गिरते थोड़ा जम जाता है, क्लॉट हो जाता है। लेकिन जिनको ये बीमारी होती है हेमोफीलिया, अगर उसको काट दिए, थोड़ा सा भी कट गया, खरोच आ गया, उसका खून जो है ना बहते रहेगा, रुकेगा ही नहीं। तो ब्लड क्लॉटिंग का जो सिस्टम होता है इन हेमोफीलिया जिसको हो जाएगा उसमें ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस नहीं काम करता है। तो ये देखो यहाँ पर लिखा गया है, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसऑर्डर इज लिंक्ड विथ सेक्स क्रोमोजोम्स। ये बीमारी सेक्स क्रोमोजोम्स से होती है। देखो याद रखना, किनलीफर सिंड्रोम जो था वो सेक्स क्रोमोजोम से हो रहा था, हेमोफीलिया भी सेक्स क्रोमोजोम से हो रहा है, बाकी जितना भी पढ़ा तुमने सारे के सारे ऑटोसोम्स क्रोमोजोम से हुआ था। ठीक है, सॉरी, ये वाला सेक्स क्रोमोजोम से बीमारी हुआ है, और टर्नर सिंड्रोम भी तो सेक्स से ही हुआ था, और ये तो हुआ ही है क्योंकि इसमें फीमेल के जो सेक्स क्रोमोजोम्स है उसमें घटक गया था, इसलिए। तो तीन था सेक्स क्रोमोजोम्स, बाकी सारे की बीमारियां कौन सी है? ऑटोसोमल क्रोमोजोम्स डिसऑर्डर है। तो देख लिया, लिखा गया दिस डिजीज लीड टू द फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अब देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस तो नाम से ही समझ में आ रहा है, अंधा क्यों होता है, अंधा कैसा अंधा? जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस वैसे अंधे होते हैं जिनको कलर के बीच में पता नहीं चलता है, लाल को पीला बोलेगा, पीला को लाल बोलेगा, मतलब समझ ही में नहीं आएगा कौन कलर है। उसको कलर देखने की जो होती है ना क्षमताएँ उसकी कम हो जाती है। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ को देख के बता देते हैं कि ये लाल है, अगर तुमको ये बीमारी मान ली जाए, खुदा ना खास्ता हो जाए, तो तुमको समझ ही में नहीं आएगा कौन लाल है कौन पीला है, कुछ भी बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, दिस डिसऑर्डर लेड टू द फेलियर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रेड और ग्रीन। खास करके रेड और ग्रीन में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। अगर ये बीमारी जिनमें हो जाता है ना, उनको रेड और ग्रीन में समझ ही में नहीं आता है कि रेड कौन है ग्रीन कौन है, वो उनका विजन ही ऐसा ख़राब हो जाता है पूरा। रेड ग्रीन में डिस्टिंग्विश करने की जो क्षमता होती है वो, जैसे कि हम लोग कर लेते हैं, हम लोग को अगर दिखाया जाए आँख के सामने कि वो लाल है कि सॉरी हरा है, लाल है कि हरा है, तो हम लोग बता देंगे कि वो लाल है वो वाला हरा है। लेकिन अगर कलर ब्लाइंडनेस वाला इंसान को दिखाओगे तो लाल को हरा बोलेगा, हरा को लाल बोलेगा, उल्टा सीधा बोल देगा कुछ भी। ठीक है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। इसमें क्या होता है, क्यों होता है ये बीमारी? द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज सिचुएटेड इन सेक्स क्रोमोजोम्स। तो ये वाला बीमारी भी सेक्स क्रोमोजोम्स के कारण हो रहा था, ये वाला बीमारी भी सेक्स क्रोमोजोम्स के कारण हो रहा था। ठीक है, सेक्स क्रोमोजोम्स में छेड़छाड़, देन कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा तुम्हारा। सेक्स क्रोमो में छेड़छाड़, देन तुमको हेमोफीलिया हो जाएगा। सेक्स क्रोमोजोम्स में छेड़छाड़, तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। सेक्स क्रोमोजोम में छेड़छाड़, किनलीफर सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, देखो गूगल पे मैंने तुमको एक फोटो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये टर्नर सिंड्रोम का पिक्चर है। ठीक है, इसमें देखो फीमेल, मैंने टर्नर सिंड्रोम में क्या पढ़ाया था कि फीमेल में अमूमन एक सेक्स होता है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम जिसको हो जाएगा एक एक्स गायब हो जाता है। ठीक है, एक्स ही बचता है। इससे क्या होता है कि फीमेल का जो बाहरी स्ट्रक्चर्स होता है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जो बाहर से दिखता है, वो खराब हो जाता है, मतलब ग्रोथ नहीं कर पाता है, डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे कि देख लो, एगो हथवा बड़ा, एगो हथवा छोटा है, लंबा, ऐसे इधर भी देख लो, और भी बहुत सारे हैं यार देखने को, तुम लोग गूगल करके खुद भी देख सकते हो।
ठीक है। अब हम लोग आपको दिखाएंगे किनलीफर सिंड्रोम का पिक्चर। ये देखो, ये मेल्स में होता है और मेल्स का पिक्चर आया। किनलीफर सिंड्रोम किसमें होता है? मेल्स में। इसमें क्या होगा, इस तरीके की बीमारियां हो जाती है, इस तरीके की बीमारियां हो जाएगी। बाकी तुम समझदार हो, सारे सिंड्रोम का क्या करना है गूगल पे जा करके देख लेना एक एक बार फोटो, ताकि ज़्यादा दिन तक याद रहे, ठीक है। रट्टा मारने से नहीं होगा, चीज़ों को फोटो वाइज एनिमेशन वाइज समझने की कोशिश करो, ज़्यादा दिन तक अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।